का काम क्या होता है? आकाश, इटरेटर का काम क्या होता है? किसी एलिमेंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कराना ना, बताइए। तो हाँ वही सर, सेम काम इनुमरेशन का भी होता है, ठीक है। सेम काम इनुमरेशन का भी होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एलिमेंट को ट्रेवल कराना। बस यही इतना काम है इनुमरेशन का। बस वो मतलब ये है कि जब ये लिगसी कलेक्शन है, लिगसी इंटरफेस की कैटेगरी में आता है इनुमरेशन। जब कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं आया था, उससे पहले भी यूज़ हुआ करता था, उससे पहले भी था हमारे पास। ये डिफरेंस है। इनुमरेशन का जो यूज़ है वो केवल और केवल मतलब लिगसी कलेक्शंस कर सकते हैं, लिगसी क्लासेस। लिगसी क्लास में जैसे वेक्टर था, कल हमने पढ़ा, स्टैक है वो कर सकती है, वेक्टर कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो स्टैक के बारे में बताया था कि स्टैक एक क्लास है जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में एक ट्रेडिशनल स्टैक तैयार करके दे देता है। उस स्टैक में पुश करिए, पॉप करिए, पीक, ये सब आप एलिमेंट निकाल सकते हो। तो पहले मैं एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। जैसे पुश, पुश नाम का मेथड होता है, वो एलिमेंट को ऐड करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे मैंने 1 ऐड कर दिया, तो मेमोरी में ट्रेडिशनल स्टैक ऐसे तैयार हो जाएगा, 1, 2, 3, है ना, और 4, ठीक है। इस तरह से एलिमेंट ऐड हो गए। अब मान लीजिए स्टैक के अंदर, ये देखिए ऐड मेथड भी है, ये ऐड मेथड भी चला सकते हो। तो ये क्या करता है, अपेंड करता है, अपेंड द स्पेसिफाइड एलिमेंट टू द एंड ऑफ द वेक्टर। क्या वेक्टर, स्टैक वेक्टर को इनहेरिट करता है क्या, वेक्टर के फीचर को? ये भी देख लेते हैं भाई, स्टैक वेक्टर को तो इनहेरिट, वेक्टर के बारे में क्यों बता रहा है? क्या पता वो डॉक्यूमेंटेशन उससे लिंक हो, इसलिए वहां आ रहा है। बट लेट्स सी, स्टैक PQRS वेक्टर को इनहेरिट करता तो नहीं है। हाँ, ये कर रहा है यार, वेक्टर को इनहेरिट कर रहा है, तो वेक्टर का सारा फीचर स्टैक के पास है ना। तो देखिए लिखा हुआ है, स्टैक क्लास रिप्रेजेंट अ लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मैनर में काम करता है। इट एक्सटेंड द वेक्टर क्लास एंड 5 ऑपरेशन दैट अलाउड द वेक्टर ट्रीटेड एज अ स्टैक। मतलब जो ऑपरेशन मतलब स्टैक पे हो रहा है, वो सारे ऑपरेशन वेक्टर पे हो सकते हैं। सॉरी, स्टैक जो वेक्टर पे हो रहा है वो स्टैक पे हो सकते हैं। तो ऐड वर्ड मेथड भी इसके ऊपर चल जाता है। बाकी रही बात, आप कह रहे थे कि अच्छा, इस तरह से आपको ऊपर से कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा। मेमोरी में ट्रेडिशनल स्टैक बनाएगा लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। आप 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको दिख रहा है, लेकिन मेमोरी में एक लीफो बैनर में उसे मैनेज करेगा। अब जैसे अगर मैं एलिमेंट को पॉप करता हूँ, तो देखो ये लास्ट वाला एलिमेंट पॉप होगा, ठीक है। और पॉप करने के बाद यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में गया था ना, लास्ट में क्या एडजेक्ट था, 4, तो 4 हट गया। और जो मतलब पॉप हो गया, वो रिमूव आइटम जो है वो दिख भी जाता है रिमूव करने के बाद। तो ये तो हो गया पॉप की कहानी। रिमूव होने के बाद जो सबसे टॉप पे बचता है, अब जैसे मैंने एक बार पॉप करा तो 4 आएगा, फिर पॉप करा 3 हट जाएगा, फिर 2 हट जाएगा। अब सबसे पीक पे क्या बचेगा, 1। तो अगर हम डॉट पीक करेंगे यहाँ पे, तो पीक पे 1 रिटर्न करके दे देगा। लेकिन अगर भी अगर हम इसके अलावा भी स्टैक को प्रिंट कराएं, तो ये प्रिंट करके दिखा देगा कि भाई पीक से डिलीट नहीं होता है, पीक से डिलीट नहीं होता है, पीक से जो पॉप होने के बाद सबसे टॉप पे एलिमेंट है वो बचा रहता है।
ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास कलेक्शन में कोई एलिमेंट है, उसको मुझे निकालना है, तो मैं तो इटरेटर का भी यूज कर सकता था, है ना, और चाहे तो एलिमेंट्स मेथड चला के इससे हमें इनुमरेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो इनुमरेशन भी एक इंटरफेस है, जैसे इटरेटर इंटरफेस हुआ करता था, जो आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इनुमरेशन जो है ना, ये लिगेसी कलेक्शन के अंदर आता है, लिगेसी कलेक्शन के अंदर आता है, मतलब ये केवल और केवल किसको ट्रेवल करा सकता है, लिगेसी कलेक्शन को, लिगेसी क्लासेस, यानी कि लिगेसी क्लासेस कौन कौन सी हैं, जैसे हैश टेबल है ना, स्टैक है, और क्या है, वेक्टर है, और क्या है भाई, शायद और भी कोई किसी के ट्री यार। ट्री ट्री हाँ जी, कौन सा, नहीं से ट्री करके कुछ है ना, ट्री थोड़ी ना है, ट्री नहीं है, ट्री नहीं है, लिगेसी कलेक्शंस, जो भी लिगेसी कलेक्शंस हैं उनको मतलब ट्रेवल कर सकता है, दो तीन ही यही सब है, यही लिगेसी क्लासेस हैं। तो ये इंटरफेस है, इसका तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स मेथड कॉल करने से आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए, ट्रेवर करने के लिए वही सेम कंसेप्ट है ना, जो वहां पे जैसे हैज नेक्स्ट होता था, या हैज मोर एलिमेंट है, वहां नेक्स्ट होता था, या नेक्स्ट एलिमेंट है बस, और ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करके आपको दे देगा, वो तो प्रिंट कर लीजिए, यही होता है क्लास इनोमरेशन, और कुछ नहीं है, इनोमरेशन इंटरफेस है। बट इनोमरेशन, हम इनोमरेशन को हम बोलेंगे कि ये सिंक्रोनाइज्ड है, सिंक्रोनाइज इसलिए, सिंक्रोनाइज्ड सारे लिगेसी जो है सिंक्रोनाइज्ड मैनर में ही काम करते हैं, लिगेसी कलेक्शन। तो इनुमरेशन कैन ट्रेवर्स द ओनली लिगेसी कलेक्शंस, बट इटरेटर कैन ट्रेवर्स द लिगेसी कलेक्शंस एज वेल एज दोज कलेक्शन विच कम्स अंडर द कलेक्शन फ्रेमवर्क, उनको भी करते हैं, ये सब है, ठीक है। और बताइए। ठीक है, स्टैक, यस और ये आपका इनुमरेशन। आपका समझ में आ गया इनुमरेशन, या कोई और क्वेश्चन है इनुमरेशन से रिलेटेड? बस नहीं सर, ठीक है, समझ में आ गया। यही इतना है कुछ। एक एनम होता है, वो अलग चीज है, अगर एनम इनुमरेशन आप लोग एक ही कर रहे हो तो वो अलग चीज है। एनम जावा में एनम होता है, एनम एक अलग चीज है बिल्कुल, उसको इनुमरेशन से रिलेट ना करिएगा, एनम डेटा टाइप है भाई, ठीक है। इनुमरेशन इज द इंटरफेस, एनम इज द डेटा टाइप, एनम इज नॉट इनुमरेशन। एनम जो होता है वो एक मतलब कांस्टेंट वैल्यू को संभाल के रखने के लिए होता है, उसका अलग यूज है, यहाँ नहीं है, कलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, तो लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास में हमने एरे लिस्ट पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया, स्टैक पढ़ लिया, और कौन सा है भाई, लिंक लिस्ट है क्लास। तो लिंक लिस्ट के बारे में किसी ने देखा था, लिंक लिस्ट को प्रैक्टिस किया? लिंक लिस्ट के बारे में किसी ने देखा था? लिंक लिस्ट भी क्लास ही है कोई, देखिए भाई, तो हम लोगों ने एरे लिस्ट, स्टैक और वेक्टर के बारे में पढ़ लिया, राइट। अब एक अगली क्लास है जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट क्लास, लिंक्ड लिस्ट है ना। ये जो लिंक्ड लिस्ट नाम की क्लास है, ये क्या करती है, लिंक्ड लिस्ट क्लास, ये मेमोरी में एक डबली लिंक लिस्ट बना के आपको देती है, ठीक है। मतलब अगर आपने लिंक लिस्ट कभी पढ़ा हो, किसी ने पढ़ा है लिंक लिस्ट या नहीं पढ़ा, पहले ये बताइए। अब यस सर, पढ़ा हूँ, पढ़ा जैसे स्टैक के बारे में तो सब लोग तो जानते होंगे, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक स्टैक होता है, स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक, इसीलिए मैंने उस पर ज्यादा फोकस नहीं करा। जैसे बहुत सारे खाने का प्लेट जो है,
एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक रख दिया जाए, वो भी तो एक स्टैक ही होता है। तो इसीलिए मैंने जी सर, स्टैक के बारे में मैंने ज्यादा फोकस नहीं करा। स्टैक शायद आप लोग जानते होंगे। लिंक लिस्ट क्या होती है वो बताइए, लिंक लिस्ट कैसे काम करती है पहले ये कोई मुझे सर बताए। लिंक लिस्ट जैसे कि टेलीफोन बूट होता है ना, अपन मतलब जो पहले जाएगा उसको पहले मिलेगा। जैसे टिकट खरीदने जाते हैं हम सर, टिकट लेते हैं ना, तो लाइन में लगना होता है, जो पहले पहुंच जाता है उसको पहले मिलता है। तो लिंक्ड लिस्ट वैसे ही काम करता है सर। वो तो इसके क्यों, पास वो तो क्यों होता है इसमें नोड बोलते हैं। कैसा? अच्छा, इसको नोड बोलते हैं सर। इसमें मतलब काफी सारे नोड होते हैं और एक नोड के पास दूसरे नोड का एड्रेस होता है, तो जिससे कि शिफ्टिंग जो है इनके तो डायग्राम से, डायग्राम से समझाओ आप क्या बताना चाह रहे हो, डायग्राम से बताइए अगर आपके पास है। जी सर, जी सर अभी आ जाए। टाइम लगेगा तो मैं शेयर कर दूं, अगर टाइम लगेगा तो। जी सर आप शेयर कर दो, मुझे एक मिनट लगेगा सिर्फ सर। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मैंने पेंट ओपन करने जा रहा हूँ अभी, दिख रहा है? नेटवर्क स्लो तो नहीं ना है? पेंट मैंने ओपन कर दिया, दिख रहा है? सर दिख रहा है। तो लिंक लिस्ट में बिल्कुल सही ये कह रहे हैं, यहाँ पे नोड का सिस्टम होता है। नोड में जैसे ये एक नोड है, ये एक नोड यहाँ पे रहता है, और हर नोड का अपना मतलब हर नोड के पास दो चीजें होती हैं, ठीक है ना? और ये नोड क्या होता है, ये नोड कुछ और नहीं होता है, ये बेसिकली एक कहीं ना कहीं ये लिस्ट ही होती है। मतलब ये एक समझ लो एरे, मतलब लिंक्ड लिस्ट का मतलब एक ऐसा लिस्ट जो एक दूसरे से लिंक हो, समझ रहे हो? मतलब जैसे एक लिस्ट बन गया यहाँ पे, अगला लिस्ट बन गया यहाँ पे, है ना? फिर एक अगला लिस्ट यहाँ पे बन गया। लिंक लिस्ट का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे जैसे मान लो कि आप सब लोग जो है मूवी देखने जा रहे हो, और आप लोग तो खैर बड़े हो, मान लो बहुत छोटे बच्चे मूवी देखने जा रहे हैं, क्लास सेकंड के बच्चे हैं, थर्ड के बच्चे हैं, तो वो गायब हो सकते हैं, उनके गायब होने के चांसेस हैं। तो भाई हमने क्या करा, एक पर्ची बना दिया हमने, और एक पर्ची जो है हर बच्चे को दे दिया, और उस पर्ची में क्या करा, अगले बच्चे का नाम दे दिया। हमने उस बच्चे से बोल दिया, भाई एक काम करो, अपने बगल वाले बच्चे को बस आप याद रखना, समझ रहे हो? मतलब उसका हाथ पकड़ के रखना आप, ठीक है? जैसे मान लो कि राम नाम का बच्चा है, उसको मैंने श्याम नाम के बच्चे का पर्ची दे दिया, श्याम को मोहन का पर्ची दे दिया, मोहन को सोहन का पर्ची हमने दे दिया। तो बस ये एक लिंक लिस्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप बोल सकते हो कि भाई जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे, लेकिन हर बच्चे के पास अपने अगले वाले बच्चे का आइडेंटिफिकेशन है, अपना नाम के पास है। तो यही होता है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट का मतलब एक ऐसा लिस्ट जो एक दूसरे से लिंक हो, जैसे ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, दिस इज अ लिंक लिस्ट, है ना? ये लिंक लिस्ट है। और जिसमें इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोड। ये हमारा ये पहला वाला नोड है, इसको हम नोड ए बोल दें, नोड बी बोल दें, जो आप देना चाहते दे सकते हैं, ये नोड वन बोल दीजिए। और इस तरह से ये नोड एन तक जाएगा, ऐसे आप एलिमेंट दोगे तो मेमोरी में ऐसे नोड बनाएगा, 1 2 3 4 5 6। और इसमें जितने भी नोड हैं, उन नोड के पास दो चीजें होती है, एक होती है मतलब डेटा, और दूसरा होता है एड्रेस। हर लिस्ट के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है डेटा और एक होता है एड्रेस, डेटा एंड एड्रेस, डेटा और एड्रेस, ठीक है? ऐसे डेटा और एड्रेस। तो यहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है, और यहाँ पे अगले वाले का एड्रेस स्टोर होता है, एड्रेस। और ये जो एड्रेस होता है, ये इस नोड का नहीं होता, अपना भी होता है, साथ में इसके अगले वाले का एड्रेस होता है, समझे हो? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, मतलब नोड वन के पास नोड टू का एड्रेस होगा, नोड टू के पास नोड थ्री का एड्रेस होगा, नोड थ्री के पास नोड
मतलब एंड ऐसे चलता चला जाएगा, तो ये होता है लिंक्ड लिस्ट, मतलब एक ऐसा लिस्ट जो एक दूसरे से ऐसे लिंक्ड हो, दैट इज लिंक्ड लिस्ट। बोलिए भाई, क्लियर है? जी सर। देखिए जैसे मैं आपको लिंक्ड लिस्ट इन जावा, या ये तो जावा का और किसी और लैंग्वेज का कंसेप्ट तो है नहीं, देखिए कहीं पे भी देख लीजिए, ठीक है? तो ये देखिए, कोई भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा हेड है, जो स्टार्टिंग यहाँ से होती है इसको हेड बोलते हैं, और लास्ट वाले को टेल बोलते हैं। लास्ट वाला टेल होता है ना, लास्ट एलिमेंट। तो हेड जो हमारा पहला वाला नोड है, ये देखो लिखा है कंटेंट मतलब डेटा, और दूसरा वाला क्या लिखा है, एड्रेस पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, है ना? पहले वाले नोड का एड्रेस क्या है बताना जरा, पहले वाले, पहले फर्स्ट वाले का क्या क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखिए, 3200 इस फर्स्ट नोड का एड्रेस है, ठीक है? और अगले वाले नोड का एड्रेस क्या है जरा बताइए, 3600 तो 3600 जो है ये पहले वाले नोड के पास यहाँ पड़ा होता है, ठीक है? तभी ये इससे लिंक होता है, तभी से कहलाता है लिंक्ड लिस्ट। अब बात समझ में आ गई? इसी तरह से एंड सो ऑन, लास्ट वाले के पास कुछ भी नहीं होता है, नल होता है, यहाँ नल पड़ा हुआ है लास्ट नोड, इसे बोलते हैं लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट और एरे में बहुत अंतर होता है, एरे एक अलग चीज होती है, लिंक लिस्ट एक अलग चीज होती है। अभी जो आप पढ़ रहे थे एरे लिस्ट, एरे लिस्ट में वो सारे काम हो सकते हैं जो लिस्ट में, मतलब लिंक लिस्ट में वो सारे काम हो सकते हैं जो एरे लिस्ट में भी, यहाँ पे आप कर, लिंक लिस्ट में भी वो सारे काम हो सकते हैं जो एरे लिस्ट में होते हैं, एरे लिस्ट में शायद बहुत सारे ऐसे काम है जो लिंक लिस्ट के नहीं हो सकते, लेकिन लिंक लिस्ट में एरे लिस्ट के सारे काम हो सकते हैं, जैसे एलिमेंट ऐड करना, इटरेट करना, ट्रेवर्स करना, ऐड फर्स्ट मतलब पोजीशन वाइज एलिमेंट को भेजना, सब हो सकता है लिंक लिस्ट में भी। अच्छा अब आप सोचो जरा, दिमाग लगाओ, आपके पास मान लीजिए कलेक्शन बनाना है, आपके पास डेटा आया कहीं से, कहीं से डेटा आया, आप क्या प्रेफर करोगे? आप वेक्टर यूज करोगे कब, कब एरे लिस्ट यूज करोगे, कब लिंक लिस्ट बनाओगे, है ना क्वेश्चन? क्योंकि हमारे पास लिंक लिस्ट भी है, हमारे पास एरे लिस्ट ऑप्शन भी है, हमारे पास ये क्वेश्चन इंटरव्यू का है, व्हेन वी हैव टू गो फॉर द एरे लिस्ट, व्हेन वी हैव टू गो फॉर द लिंक लिस्ट। मैंने आपसे क्या बताया था, डिफरेंस वही बनता है जहाँ सिमिलरिटीज होती है। अब जैसे एरे लिस्ट और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, लास्ट टाइम भी बताया था, व्हेन वी हैव टू गो फॉर एरे लिस्ट एंड व्हेन वी हैव टू गो फॉर द वेक्टर। इन द सेम सिनेरियो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, व्हेन वी हैव टू गो फॉर द एरे लिस्ट एंड व्हेन वी हैव टू गो फॉर द योर लिंक्ड लिस्ट, है ना क्वेश्चन? क्योंकि दोनों काम वही है, सब काम कर लेगा ये। तो इन दोनों को समझने के लिए दोनों का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझना जरूरी है। तो लिंक लिस्ट में आप ऐसा देख सकते हो, लिंक लिस्ट क्लास के बारे में क्या बोल सकते हो, डेफिनेशन वाइज बोल सकते हो कि इट इज अ, लिंक लिस्ट क्लास इज द कॉन्क्रीट क्लास इज प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट इंटरफेस, एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएटिंग अ डबली लिंक लिस्ट मेमोरी, दैट्स इट। डबली लिंक लिस्ट बन गया, मतलब ऑब्जेक्ट बनाते ही ये डबली लिंक लिस्ट मेमोरी में तैयार हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, नोट तैयार होंगे। लेकिन अभी आपने वैल्यू टू डाला नहीं है तो इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट साइज नहीं होती है कि जो नोट बन के आएगा, है ना? या तो इसके डिफॉल्ट कंसिडर में देखना पड़ेगा कि क्या कुछ डिफॉल्ट साइज के नोट बनते हैं क्या, वो तो कैपेसिटी होगी, अगर होगी भी तो नोट नहीं बनेंगे, एलिमेंट्स डालोगे तभी तो एड्रेस तैयार होगा, एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे। तो इसके पास भी ऐड मेथड है, ऐड ऑल मेथड है, ऐड इंडेक्स वाला मेथड है। इवन एक चीज और बोल सकते हो लिंक लिस्ट के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि अपार्ट फ्रॉम लिंक लिस्ट,
सॉरी अपार्ट फ्रॉम डबली लिंक लिस्ट ऑल्सो प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डी क्यू एंड स्टैक. मतलब ये डी क्यू और स्टैक दोनों को इनहेरिट भी करता है. ठीक है, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखो. ये देखो नीचे, बल्कि कहीं पे ये ओपन है यहाँ पे. देखिए ये, देखिए ये डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है. यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है. तो देखिए लिंक लिस्ट क्लास, देखिए लिंक लिस्ट क्लास लिस्ट को इम्प्लीमेंट करती है और साथ में किसको इनहेरिट करती है, देखिए किसको इनहेरिट करती है, किसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है, डी क्यू को. तो इसके पास डी क्यू का भी फीचर है, लिस्ट का भी फीचर है. डी क्यू मतलब डबल इंडेड क्यू, आगे पीछे दोनों जगह से आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, फेच कर सकते हो, ऐसा है. समझ रहे हो, दोनों का फीचर है इसके पास. तो ये लिंक लिस्ट क्लास के बारे में कहानी है. अच्छा रही बात कौन सा आपका प्रेफर करना चाहिए, पहले पढ़ा देते हैं फिर आपको बताते हैं कौन सा प्रेफर करना चाहिए. खैर आप मेमोरी रिप्रेजेंटेशन से जान सकते हो ये लिंक लिस्ट. बस वैसे अगर आपको कंपैरिजन करना है तो वो इंसर्शन से हो सकता है, डिलीशन से हो सकता है, अपेंड से हो सकता है, या फेचिंग से हो सकता है जब आप फेच करने जा रहे हो. आपको क्या लग रहा है कि कौन सा बेटर होगा, लिंक लिस्ट में अगर एलिमेंट पड़ा हो उसको फेच करना आसान है, या एरे लिस्ट में पड़ा हो तो उसको फेच करना आसान है? कहाँ से आसान है, डेटा स्टोर करना कहाँ आसान है, मतलब कहाँ कम टाइम लग सकता है, कहाँ टाइम से ही वह है डिफरेंस, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसको हम खुद भी मेजर कर सकते हैं. सर एरर इजी रहता है लिंक लिस्ट में, तो जैसा कि वो थॉमस भाई बता रहे थे कि जब पहला वाला गेट नहीं करता तो दूसरे वाले को टाइम नहीं मिलता, वो मतलब दूसरे वाले को मौका नहीं मिलता. पहला वाला, ये पहला वाला टाइम नहीं होता है, दूसरे वाले को मौका नहीं मिलता, मतलब नहीं समझा मैं क्या कह रहे हो आप. सर वो जो कह रहे थे ना, जैसे टिकट लेने के लिए जाते हैं तो लाइन में लगना पड़ता है, जो सबसे पहला वाला पर्सन होता है वो जब तक नहीं लेगा तो पीछे वाले जो रिमेनिंग लोग होंगे वो नहीं ले सकते. वो जो टिकट की लाइन लगती है यार, उसे तो क्यू बोलते हैं हम, जो टिकट लेने की लाइन लगी उसे बोलते हैं क्यू. हम तो लिंक लिस्ट नहीं बोलते हैं, लिंक लिस्ट लगा हुआ है, ऐसा बोलते हैं क्या? तो एग्जाम्पल ही गलत था. बताओ आप क्या बोलते हो? हम तो बोलते हैं अरे यार इतना लंबा क्यू लगा हुआ है, यही तो बोलते हैं, वो तो क्यू है. लेकिन लिंक लिस्ट क्लास डी क्यू की भी फीचर अपने पास रखता है, डी क्यू का भी फीचर इसके पास है, वो बात अलग है, लेकिन वो स्पेशली उसके लिए हम उसे क्यू बोलते हैं. हाँ बताइए आप क्या कह रहे. सर ये लिंक लिस्ट में पहली बार पढ़ रहा हूँ, और डबली लिंक लिस्ट का कोई आइडिया भी नहीं है वो किस टाइप की होती है, क्या होता है उसमें, एंड सर इस वजह से ज्यादा पता नहीं. दोनों साइड से आप एलिमेंट ऐड कर सको और क्या, दोनों साइड फ्रंट से भी बैक से भी और क्या. एंड सर डीक्यू वाला आप बता रहे थे जो, वो डबल इंडेड क्यू होता है, क्यू अलग होता है, क्यू का फीचर होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, समझ रहे हो. स्टैक होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. स्टैक वर्किंग इन द लीफो मैनर, क्यू वर्किंग इन अ फीफो मैनर, ठीक है ऐसा है. चलो अभी वो जो डिफरेंस है ना, वो आप ऐसे आप बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा, करके देखेंगे, करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जी यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है, यहाँ टाइम कम लग रहा है, इस तरह से. ठीक है तो सबसे पहले डबली लिंक लिस्ट एक क्रिएट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट बना के उस पर एलिमेंट ऐड कर दीजिए, है ना, और एक ही करके ट्रेवल कर लीजिए. या मेरे पास ना प्रोग्राम है तो मैं प्रोग्राम बना दूँ, जब मेथड ही कॉल करना है यार, ज़्यादा कुछ नहीं. अगर आप जैसा आप लोग कहोगे, वैसे तो मैं परमिशन लेता नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही दिखा देता हूँ, समझ रहे हो ना. तो लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए आपसे, वैसे मैं पूछने जा नहीं जा रहा हूँ, मैं तो दिखाने जा रहा हूँ. देखिए ये देखिए, अब उसको बनाने में टाइम लगेगा और कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे तो जब तक लिखेंगे तब तक इसको समझा के ख़त्म कर देंगे. देखिए ये देखिए, लिंक लिस्ट क्लास को हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये बनाया ऑब्जेक्ट, तो मेमोरी में एक ट्रेडिशनल स्टैक तैयार, सॉरी वो डबल लिंक लिस्ट तैयार हो गया.
अब हमने इस पे एलिमेंट इतने सारे ऐड कर दिए, 1 2 3 ऐड हो गए। अब हमने इस एलिमेंट को एक एक करके निकाल लिया, तो बताइए यहां तक कि ऐसी कोई चीज जो है जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, है ना? यहां तक कि ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही हो जो हमने हाईलाइट किया है। लिंक्ड लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एलिमेंट ऐड करके एलिमेंट को ट्रेवल कर लिया, इटरेट कर लिया, बताइए भाई। सर आ रहा है समझ में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही आसान चीज है। अभी कुछ किया नहीं, अभी तो कुछ हमने किया नहीं ना। अब देखिए हमने क्या किया, अब हमने ये करा कि भाई लिंक लिस्ट भी इटरेटर और लिस्ट इटरेटर दोनों को यूज कर सकती है। तो एलिमेंट को ऐड करने के बाद ये मैंने इटरेटर से ट्रेवर्स करा दिया एक बार, और नीचे मैंने एक बार लिस्ट इटरेटर से ट्रेवल करा दिया, मतलब ट्रेवर्सल बाय इटरेटर एंड ट्रेवर्सल बाय लिस्ट इटरेटर, क्लियर है? दोनों से ट्रेवर्सल करा दिया है। ठीक है, ये प्रोग्राम आपको मैंने दे दिया है, वो ये प्रोग्राम मैं भेज भी चुका हूँ, अभी मैं दोबारा भेज देता हूँ। वैसे मैंने आपको पूरा कलेक्शन का ही फोल्डर भेज दिया है, कोई दिक्कत है? अभी यही चीज बार बार मैं करके दिखाऊं, ये क्लियर है या कोई दिक्कत है, बताइए। क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है। क्या हो गया कनेक्शन? लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी जाएगा वो, बारात में जाने वाला है आज, वो भी जाएगा खाना वाना खाने, हो जाएगा डिस्चार्ज, दावत खाने जाएगा वो भी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक की कहानी बहुत ही सिंपल था यार, अब इसको मैं आगे ही हटाता हूँ। अब देखिए मैंने कोई एलिमेंट देखना है कि किसी मतलब लिस्ट में कंटेन कर रहा है कि नहीं, तो कंटेन चलाया, वन वन कंटेन कर रहा है, ट्रू आ जाएगा। अब देखिए लिंक लिस्ट को एज हम डी क्यू यूज कर रहे हैं, डी क्यू मतलब डबल इंडेड क्यू। अब पहले मैंने क्या करा, एक लिंक लिस्ट बनाया और उसमें जो बना हुआ ऑलरेडी लिस्ट था उठा के इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया, ठीक है, और इसमें कुछ और एलिमेंट ऐड कर दिए, है ना, 7 6 8। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होके आएगा, ऑलरेडी 1 2 3 4 5 था, नहीं 4 था और 5 6 7 यहाँ ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा टोटल, उसी के आगे से आएगा ना, 5 6 7 8 7। यस सर, यस सर। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 7 एलिमेंट हो गए। 7। अब हमने क्या करा, ये देखो ये डीक्यू में होता है, ठीक है, ऐड फर्स्ट, ऐड फर्स्ट मतलब ये डीक्यू में भी होता है, समझ रहे हो ना, और यहाँ पे भी होता है, मतलब लिंक लिस्ट पे भी ये फीचर कर सकते हो। पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या था बताइएगा, पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या था, ऊपर देखना चाहते हो फर्स्ट पोजीशन पे क्या था सर? 1 होगा, 1 1 था, 1 था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट पोजीशन पे क्या ऐड कर दिया सर? फर्स्ट। तो फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हो गया, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे क्या ऐड कर दिया मैंने सर? जावा। यस। लास्ट पोजीशन पे क्या ऐड कर दिया मैंने? लास्ट। ये सब उसी के मेथड है, हमने थोड़ी ना बनाए। अब गेट फर्स्ट करेंगे तो क्या, अच्छा यहाँ प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होके आएगा, आप वही पूरा एलिमेंट प्रिंट होके आ जाएंगे, पूरा एलिमेंट प्रिंट होके आएगा सर। गेट फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा सर? पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फर्स्ट फर्स्ट। गेट लास्ट करेंगे तो क्या आएगा? लास्ट सर, लास्ट आएगा, लास्ट एलिमेंट। रिमूव फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट रिमूव हो जाएगा और फिर उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। यस सर, यही सब होता है भाई। लिंक लिस्ट को ऐसे स्टैक भी यूज कर सकते हो, ये सब देखो लिंक लिस्ट को बनाया और पुश करते चले गए, पुश करते चले गए, पॉप कर दिया और पीक कर लिया, जो कि अभी आपको बताया है। अच्छा, पॉप करने के बाद अगर एलिमेंट यहाँ पीक में कुछ नहीं रहता है तो शायद यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है,
है ना शायद, अगर एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा तो इसमें नल देता है या स्टैक में नल देता है, कहीं ना कहीं तो देता है जरूर। तो लिंक्ड लिस्ट टेस्ट ये तो वो डुप्लीकेट है, हमने जेनरिक नहीं बनाया इसलिए आ रहा है। ये देखिए यही था वो है, मतलब जो पहले 1 2 3 4 ऐड कर दिया था, फिर उसको ट्रेवर्स कर लिया है ना इटरेटर से, फिर लिस्ट इटरेटर से ट्रेवर्स कर लिया फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर एग्जिस्टेंस चेक कर लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 था तो फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट भेज दिया, लास्ट पोजीशन पे लास्ट भेज दिया, फिर फर्स्ट और लास्ट को गेट कर लिया, फिर उसके बाद लिंक लिस्ट को स्टैक यूज कर लिया यहाँ पे, और लास्ट पोजीशन पे जब कोई एलिमेंट नहीं रहता है पीक चलाते तो नल आ जाता है ना, और स्टैक में एक्सेप्शन आ जाता है कि कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, बस यही सब मेथड है यार। बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए भाई, समस्या है? प्रोग्राम अभी कुछ इसमें था ही नहीं, बस ऑब्जेक्ट बना के मेथड चलाना था, पुश पॉप पीक वगैरह वगैरह जो भी मेथड थे वो तो चला दिया है। बताइए भाई। यस सर। लिंक लिस्ट एक ऐसा लिस्ट जो एक दूसरे से मतलब लिंक हो। अच्छा मान लो कि मुझे ये देखना है कि लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड करने में कितना टाइम लगा और एक एरे लिस्ट में कितना टाइम लगा या फेच करने में कितना टाइम लगा, ये सब कैसे मेजर कर सकते हैं? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कहीं पे, ये जिसने आयो पढ़ रखा है इनपुट आउटपुट उसको मैंने पढ़ाया होगा ये चीज, टाइम मेजर कैसे करना है? सर टाइमर क्लास नहीं, सिस्टम क्लास का नैनो टाइम मेथड होता है जिससे हम अपने सिस्टम का टाइम ले लेते हैं या करंट टाइम मिलीज मेथड चला लेते हैं जिससे हम भाई, जैसे मुझे ये देखना है कि अगर मैं एक लूप चला दूं 1 से लेकर 100 तक और 100 एलिमेंट को मैं ऐड करने जाऊं, तो जब मैं ऐड करने जा रहा था तो सिस्टम का टाइम ले लिया और जब मैं ऐड करके आ गया तो सिस्टम का टाइम ले लिया है ना, यानी कि एक स्टार्ट और एक इंट, और इंट में से स्टार्ट को कर दिया माइनस है ना, इंट में से स्टार्ट को माइनस कर दिया तो हमें टोटल एग्जीक्यूशन टाइम पता चल जाएगा, याद है? हाँ जी यस सर याद है। भूल गया कि याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? नहीं सर याद है सर, बस एक बार देखना पड़ेगा। इंड माइनस स्टार्ट करना है, system.nano time वही चलाना है आपको। तो यही काम हम ऐड के साथ कर ले, यही काम हम गेट के साथ कर ले, यही काम मतलब जब हम इटरेट करने जा रहे हैं, ट्रैवर्सल है ना, सेम एलिमेंट एक एरे लिस्ट बना लें और एक लिंक लिस्ट बना लें, दोनों को ऑब्जेक्ट बना लें, दोनों में ऐड करने चले गए, ठीक है, दोनों को लूप चला के मान लो 200 एलिमेंट हमें ऐड करना है, मान लो फॉर एग्जांपल जब हम ऐड करने जा रहे थे तो सिस्टम का टाइम ले लिया, जब ऐड करके आ गए तो सिस्टम का टाइम ले लिया, इनमें से स्टार्ट को माइनस कर दिया हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा, और हमें पता चल जाएगा लिस्ट में ऐड करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है एरे लिस्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, वहीं भी आपको टाइम मेजर हो जाएगा। ये काम किसी ने किया है आपको याद हो तो किया है उसने, आगे ने बताया था बफर रीडर इनपुट आउटपुट में बता रहे सर। अभी तो याद नहीं है सर, थोड़ा देखना पड़ेगा सर।